फिर सफारी पार्क जाने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा टिकट काउंटर पे और हमें टिकट परचेज करनी पड़ेगी और उसके बाद हम जाएंगे सफारी पार्क में। अभी हम जा रहे हैं सफारी पार्क टिकट काउंटर पे, उधर से हम टिकट लेके तो इनसाइड चले जाएंगे। व्यूअर्स अभी हमने दुबई सफारी पार्क की टिकट खरीद ली है तो अभी हम इनसाइड जाएंगे। पहले मैंने सोचे थे कुछ फोटोज वगैरह बना ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एयर ट्रैवलर और आज हम आपको जो है दुबई सफारी पार्क की सैर करवाएंगे। इसमें जो है डिफरेंट किस्म के अफ्रीकन जानवर हैं और विलेज हैं, एक्सप्लोर विलेज हैं और लैंडस्केप इसकी बहुत प्यारी है और ग्रीनरी है इसमें, बहुत ज़्यादा जंगल भी है इसमें। तो आए लेट्स कम, आज आपको इसकी सैर करवाते हैं। व्यूअर्स अभी हम सफारी पार्क में दाखिल हो रहे हैं तो अभी हम इधर जो है टिकट कार्ड हमने खरीदा हुआ है, टिकट पंच करके। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू मैम। ओके व्यूज, अभी हम दाखिल हो चुके हैं पार्क। तो व्यूअर्स आप ऑनलाइन भी टिकट परचेज कर सकते हैं और इधर आके भी काउंटर से टिकट ले सकते हैं। एक्सप्लोर विलेज है, अफ्रीकन विलेज है, एडवेंचर वैली है। तो हम सीधे चलते हैं क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन ली है। दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। मे भी अफ्रीका से आए हुए जानवर उन्होंने रखे हुए हैं। आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। ये देखें जी, इन्होंने बड़ा ही यूनिक किस्म की चीज़ें बनाई हैं। और ये सामने जो आपको लग रहा है ये इसमें ना अंदर रेस्टोरेंट्स हैं लाइक पिज़्ज़ा वगैरह के, पास्ता के। तो मैंने कहा ये भी फिर आगे घूमें और बाकी इंजॉयमेंट करें। ये इन्होंने फैन वगैरह भी लगाए हुए हैं क्योंकि
कि दुबई का जो वेदर है वो ज़रा हॉट है, तो इसलिए इन्होंने स्पेशल नज़र। पहले इस साइड पे देख लें, मुझे लगता है इस साइड पे कुछ है और कुछ ना कुछ एडवेंचर चीज़ है जो लोग इधर इतने आए हुए हैं, फिर जाते हैं उसके इनसाइड। नज़र नहीं आ रहा। और इधर जो है स्ट्रिप्ट हाइना है, साइंटिफिक नेम हाइना, तो अभी वो एक हाइना नज़र आ रहा है मुझे, ये इधर रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी बाहर नहीं निकला हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका ना। ये हाइना रेस्ट कर रहे हैं, लगता कोई बाहर नहीं है। ये अभी हम इन अफ्रीकन विलेज एक और उन्होंने बनाया हुआ है बड़े अच्छे से व्यू के साथ, तो लगा इसके इनसाइड भी जाते हैं क्या। Now we're singing about love and all the things we had. We are up, we are down, but we're never giving up. The colors on the way and you find me. And we're the same, but you trust me. They love me. Stay here 24. Hotels and shops and different gifts. You can buy things like this. पहले नंबर पे पीकॉक मोर, बहुत ही डिफरेंट किस्म के हैं। और इससे आगे जो है ये बत्तख है, डक, ये पैरट है, ये बत्तखे हैं, चढ़ते हैं इस ब्रिज पे भी। इस ब्रिज पे भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ही इन्होंने ना आर्किटेक्चर किया हुआ है, तो देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। सेफ्टी में ही उसके लिए उन्होंने जो है ना फेंस लगाई हुई है। हम सीढ़ियाँ चढ़ें, वाओ अमेजिंग ब्यूटीफुल सीन। फिर इधर लिफ्ट मैंने लगाई स्टेशन के लिए, अमेजिंग ब्रिजेस। ये और मजीद हम अभी हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं ऊपर की तरफ क्या है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और खूबसूरत, बाकी फ्रीकर मेरे खूबसूरत दिख रहा है। ये और इधर से बहुत अच्छा सीन दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये 2 फ्लोर ऊपर हम आए हैं और नेक्स्ट की जाने जाते हैं, तो देखते हैं आगे क्या है। ये डिफरेंट किस्म के परिंदे हैं जो आपके इन्होंने ओपनली रखे हुए हैं, क्योंकि ये मेरा ख्याल ये तलोर है, तलोर ही लग रहा है मुझे तो। अभी हम फ्रीकर विलेज घूम के बाहर जा रहे हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अफ्रीकन जो है एलिफेंट भी है और लाइन भी है, तो इंशाल्लाह हम आगे जा रहे हैं, आगे तरफ बढ़ रहे हैं और
देखते हैं आके। अभी हम एलिफेंट देखेंगे, ये तो बहुत बड़े बड़े एलिफेंट हैं। सेफ्टी मेजर्स भी इन्होंने किए हुए हैं, साथ में उन्हें बनाई हुई है ताकि इधर से क्रॉस ना कर सकें। अभी हम नेक्स्ट पे जाने पड़ते हैं। ये इन्होंने वाटर भी बनाया हुआ है हाथियों वगैरह के लिए ताकि इसमें नहा लेंगे। वही का जो वेदर है वो हॉट है, लेकिन अभी तो मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छा है, हवा चल रही है। साथ इनके वो टर्टल भी थे, जानवर एक लेटा तो है, डोंट नो कौन सा जानवर है, मुझे तो कुछ खाइना वगैरह लग रहा है। ये भी बैठा हुआ है। इधर कह रहे हैं कि अफ्रीकन लाइन है और उनका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो। अभी हम देखते हैं वो ऐसे बैठा हुआ, बिल्कुल बैठा हुआ ऊपर। हमने लाइन देख ली है तो अभी हम नेक्स्ट जाने जाते हैं कि आगे क्या क्या है। एक बना हुआ है बाहर बहुत बड़ा सा, तो आगे स्नेक बिल्कुल, ये इन्होंने शीशे के लगाए हुए मिरर और स्नेक बैठा हुआ है। आपको बड़ा जूम करके दिखा देते हैं, बहुत बड़ा स्नेक लग रहा है मुझे तो। नेक्स्ट की जानब जाते हैं नेक्स्ट। ये तो मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है, क्रोकोडाइल की तरह। इस एनिमल का नाम जो है एशियन वाटर मॉनिटर। जैसे हमने देखा था जियोग्राफी के चैनलों में, ये तो बड़ा खतरनाक होता है पानी में। और बहुत ही बड़ा है और मोटा भी बहुत है, देखें कितना लंबा है। कमो बेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I think so 15 to 16 feet का ये स्नेक है। पानी भी इसके लिए रखा हूँ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये तो क्रोकोडाइल लग रहा है मुझे,
नाइल क्रोकोडाइल छोटे छोटे बच्चे ही हैं क्रोकोडाइल। अरेबियन हॉर्न वाइपर है, रेत के अंदर भी चलता है, एक रेत के अंदर भी है, एक साइड है। ये कौन सा है? डिड मालफोन है, एशियन सैंड स्नेक। ये है एशियन सैंड स्नेक। तीनों प्रजाति एक साथ है, ये निक के सारे वाले। नेक्स्ट व्यूज, ये कौन सा स्नेक है? ये सास्केट वाइपर है, और थोड़ा सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। तो बहुत बड़ा स्नेक लग रहा है। इस स्नेक का नाम है पॉप हेड। ये तो बड़े ज़्यादा लहदे नस्ल का सांप लग रहा है, जो कि बहुत ही यूनिक है दिखने में। इसके ऊपर जो डाटे डाटे बने हुए हैं। ये डेजर्ट मॉनिटर है, मेरा ख्याल इसे लिज़र्ड ही बोलते हैं। प्योर जो ड्रैगन है, कोमोडो ड्रैगन, आपको दिखाते हैं कोमोडो ड्रैगन। ये भी मेरे राम का आ रहा है, ये इनकी क्वालिटी नहीं है, मुझसे बैठे थे कोई आज तक। बस अगर आप जियोग्राफिक चैनल देखते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, अगर जो भी इनके पास हो। तो ये बहुत बड़ा है दिखते हैं, टमाटो ड्रैगन भी। अफ्रीकन बुल फ्रॉग है, ये फ्रॉग है, बुल फ्रॉग, अफ्रीकन बुल फ्रॉग। ग्रीन ट्री पिथोन, ये है ग्रीन ट्री पिथोन। ये ग्रीनरी बिल्कुल जो ग्रीनरी की तरह ज़्यादा पता नहीं चलता, जब भी आप जंगल में गए इस तरह के सांप अक्सर ग्रीन दिखते हैं, जो कि आप पता नहीं चलता जी बिल्कुल ये सांप है। फिर तो आगे रेड टेल्ड बोआ, ये भी सांप ही मुझे लग रहा है। और ये आगे ना बीच में जो है छुपा हुआ है, तो इसकी जो है ना दुम हमें नज़र आ रही है, बस इस नहीं। व्यूअर्स आगे जो है सेंट्रल बर्डी ड्रैगन है, ये तो ड्रैगन का बच्चा है। मैंने कहा आपको जूम भी दिखा दो करके। ये डायमंड कारपेट पिथोन है, और ये स्नैक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बेसिकली। सांप जो है बर्मीज पिथोन, और ये साउथ एशिया में पाया जाता है। व्यूअर ये पीकॉक मॉनिटर है, हमारे यहाँ इसे लिज़र्ड बोलते हैं अभी। ये या छिपकली टाइप है ये कुछ, लेकिन ये कुछ है और ही, पीकॉक मॉनिटर। बहुत ही बड़ी इसकी पूंछ है। इसके आगे जो है कार्प स्नेक है, वाकई ये तो बिल्कुल कार्निंग की तरह का ही है, पता नहीं चलता।
बहुत ही लंबा स्नैप है व्यूअर्स। व्यूअर्स अभी आपको जो है डिफरेंट किस्म के स्नैक्स, क्रोकोडाइल, ड्रैगन्स और बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। गोरिल्ला इज स्लीपिंग दैट टाइम इन एन अ बैक साइड ऑफ स्टोन्स, सो वी विल चेक इफ पॉसिबल टू गो अनदर साइड, सो बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू सी द गोरिल्ला। एक गोरिल्ला मुझे नजर तो आया है, तो अभी देखते हैं उधर करीब जाके। देख नजर आके गोरिल्ला मुझे, आपको भी दिखाता हूँ जूम करके। अभी धूप है ना, तो अभी शायद वो रेस्ट कर रहे हैं। ये देखें मंदिर जाते हैं, शायद उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया, ऊपर जाके भी देख सकते हैं। चले फिर हम एक गोरिल्ला तो देख लिए, मेरे को आराम कर रहा था, लेकिन है कोई बात नहीं। चिंपैंजी हाउस है, चिंपैंजी हाउस। बहुत ही खूबसूरत से आई सीन है, ब्यूटीफुल जी। ये देखिए जी, ये इन्होंने बस बनाई है ट्रेन टाइम, तो जो कि पैसेंजर को घुमाती है पूरे दुबई पानी। मैंने कहा इधर का आपको दिखा दूँ, ग्रीनरी भी है बहुत ज़्यादा आगे खूबसूरत है, और फॉरेस्ट है उन्होंने, तो आपको फॉरेस्ट का व्यू दिखा दूँ, क्योंकि फॉरेस्ट जो है ना मुझे गहराई में लग रहा है, तो इधर से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। अमेजिंग। व्यूअर्स हिप्पो जो है ना उस साइड पे जाके आई थिंक बैठ गए, वो देख उठाए उठाए ये निकले ये। ओह माय गॉड, टू मच हिप्पो, बहुत बड़ा लग रहा है यार मुझे हिप्पो। आप समझ रहे होंगे हिरन है, लेकिन हिरन नहीं, हिरन टाइप दिखता है नियाला।
विलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से है। आगे मुझे कुछ लग रहा है कि वाटर फॉलिंग भी हो रही है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा होता है विलेज एक्सप्लोर। सो वाई वी मिस दिस, वी मस्ट सी। वाटर फॉलिंग नीचे की तरफ हो रही है, तो अभी हम इधर से नीचे जाएंगे, शॉर्टकट करते हैं। ये कोई रेस्टोरेंट लग रहा है, साथ में उन्होंने वाटर फॉलिंग बनाई है, बहुत ही खूबसूरत थी। अमेजिंग। बिल्कुल, मैंने कहा कि आपको रेस्टोरेंट दिखा देते हैं, उन्होंने एक माउंटेन पे बनाया हुआ है ये, तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आगे भी देखते हैं, आगे उन्होंने और भी क्या क्या चीज़ें हैं। साथ में एमिरेट्स का जहाज भी है, उन्होंने लिखा एक्सप्लोर विलेज। एलिफेंट, ज़ेब्रा, डक, ग्रेटर फ्लेमिंगो, मारहोर, हिप्पो है साथ के, दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा चीते फिर रहे हैं, बिल्कुल कितने किधर भी बैठा हुआ है उन दूसरे चीतों का भाई। रोड में किधर ही चीता आ रहा है, एक चीता करीब बैठा हुआ। मैंने कहा इसकी ना आपको फोटोज तो ले लेना, इसकी वीडियोस वगैरह बना के क्लोज। मैंने कहा कि इसकी ना व्यूअर्स, हमने एक्सप्लोरर विलेज को भी देख लिया है, इसमें चीता है। और अभी 5 o'clock हो गए, तो वो कह रहे हैं कि अभी आप टाइम सच्चे में हो गया। तो ये हिप्पो है, ये मैं बेसिक आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं, उनकी जो है ना डमीज बना के लगाई हुई है। और ये जराफा है, लैंडस्केपिंग देखें आप कैसे उन्होंने बनाया हुआ है उसके। ओके व्यूअर्स, आज का व्लॉग इतना ही था, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ये मान अल्लाह।